हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में हम बनाने वाले हैं धनिया की आलू और पापड़ी, साथ में बनाएंगे हम मैंगो शेक। और जो आज का व्लॉग है वो मैं इसी में इवनिंग स्नैक और डिनर दोनों साथ में बना रही हूँ, तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे और काफ़ी हैवी होता है ये, तो इसलिए मुझे डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाते हैं मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने में कोई भी टेक्निक नहीं, आप सभी को पता है कैसे बनता है, तो मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। और मैंने एक आम लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी, जितनी आपको सफिशियंट लगे, जिस हिसाब से आपका आम खट्टा या मीठा हो उस हिसाब से आप चीनी डाल लीजिए। साथ में मैं डालूँगी इसमें मिल्क। सबसे पहले मैं आम और चीनी को थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि अगर ये साथ में दूध डाल दो तो जो आम के जो पीसेज हैं वो एकदम से पेस्ट नहीं होते। उसके बाद मैं दूध यूज़ कर रही हूँ अमूल गोल्ड का फुल क्रीम। आप चाहे नॉर्मल दूध भी घर पर जो आता है वो यूज़ कर सकते हैं, मैं मैंगो शेक के लिए यही यूज़ करती हूँ, तो ये इससे अच्छा थोड़ा सा बनता है, थोड़ा थिक होता है। साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ आइस क्यूब्स, अगर आपको नहीं चाहिए है तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर दूध ठंडा है तो भी आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं अपना मैंगो शेक। ये 2 मिनट में तैयार हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं होती, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। वैसे ये मैंगो जूस है क्योंकि इसके ऊपर हम आइसक्रीम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पसंद है आप आइसक्रीम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, मैंगो आइसक्रीम या कोई वनीला फ्लेवर की। आप सभी को पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस तरह की रेसिपीज़ हम लोग घर पर ट्राई कर सकते हैं और कुछ नया डेली बना के खा भी सकते हैं। जनरली ये सब हम ट्राई नहीं कर पाते हैं, तो आज मैंने ये बनाया है। तो ये हमारा जो मैंगो जूस है वो तैयार हो गया है। अब इसको हम इसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे ग्लासेस में, और इसमें अपने जो मैंगो जूस है उसको पोर करेंगे। और आप चाहें तो इसके ऊपर काजू बादाम भी गार्निश के लिए डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और जिसे पसंद है वो इसके ऊपर मैंगो आइसक्रीम भी डाल के एक तरीके से मैंगो शेक का मज़ा ले सकता है। बस कुछ मिनट में ही आपका ये बाजार जैसा जो मैंगो शेक तैयार हो जाता है, आप भी ट्राई करिए, काफ़ी टेस्टी लगता है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ धनिया की आलू, जिसके लिए मैंने लिए हरी मिर्च, धनिया, नींबू और आलू कुछ उबली हुई। साथ में लिया मैंने मैदा, नमक, अजवाइन और साथ में लिया मैंने रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा पानी। सबसे पहले हम बनाएंगे धनिया की आलू, जिसके लिए मैंने 2 कप धनिया ले लिए, और इसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। जार में डाल लूँगी, मैंने लिए हैं 12 से 15 मिर्च, आप अपनी आलू के हिसाब से मिर्च लीजिए और जिस हिसाब से आपकी मिर्च तीखी हो उस हिसाब से भी। और मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, साथ में मैंने 2 कप धनिया ली है जो मैं आपको बताया, और मैं 1 नींबू अभी यूज़ कर रही हूँ और 1 नींबू मैं बाद में डालूँगी, मे भी अगर खट्टा नहीं होता है, थोड़ा सा खट्टा भी अच्छा लगता है। और अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप आमचूर का यूज़ कर सकते हैं। और इसी में साथ में मैं डालूँगी थोड़ा सा सादा नमक, काला नमक, इस पेस्ट को आप एक बोल में निकाल लीजिए और जब आपको आलू खाने हो आप तुरंत ही इस पे आलू पे इसको मिला लीजिए, आलू को अपने हिसाब से पीसेस में कट करके। और उसके ऊपर आप साथ में डालिए भुना मसाला, और भुना मसाला में आप भुना जीरा भी ले सकते हैं जिसको आप थोड़ा सा पीस लीजिए, या फिर अगर आप चाहे तो जैसे मैंने बना के एक मसाला रखा हुआ है जिसमें मैंने रखा हुआ है खड़ा धनिया और जो जीरा होता है उसको मैंने पहले भून लिया, उसके बाद मैंने उसको पीस के रख लिया है। तो मैं कभी भी कोई भरवा सब्जी बनाती हूँ या फिर इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आता है। रायते में भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं।
अब हम तैयार कर रहे हैं पापड़ी के लिए जो मैदा, जो डो बनता है वो, तो उसके लिए मैं मैदा ले रही हूँ। तो आप क्वांटिटी देख लीजिएगा, मैं कप से मेज़र करके बता रही हूँ। आपके पास अगर मेज़रिंग कप है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नॉर्मल कप से बता रही हूँ, तो आप नॉर्मल कप से आराम से यूज़ कर सकते हैं। सबके पास मेज़रिंग कप नहीं होता है, तो मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। ये देखिए मैंने नाप के ही लिया है। फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, लगभग जितना मैंने लिया वो 1 टीस्पून है, तो इतना हम नमक डालेंगे। और हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच यानी कि 1/2 टीस्पून अजवाइन, और उसको थोड़ा सा हम मसल लेंगे हाथ में जिससे उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। इसको मिलाने के बाद इसमें हम 1/4 कप, जो कप मैंने मेज़र किया था उससे 1/4 कप मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करूँगी इस मैदे में। पहले इस तरीके से सूखे मैदे को अच्छे से मिला लें, इसके बाद ही जो 1/4 मैंने कप तेल लिया है इसको मिला के अच्छे से मुझे मैदे में बाइंड कर लेना है इसको। उसके बाद हम जितना सफिशियंट हमें पानी, जितनी ज़रूरत होगी उतने पानी से हम इसका डो तैयार करेंगे। तो हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके आप डो तैयार करिए, वरना जो आपका डो है वो गीला हो जाएगा, फिर पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए मेरा जो डो है वो तैयार हो गया। इसके लिए मुझे सिर्फ आधा कप पानी लगा है, आधे से भी कम पानी लगा है, ये देखिए वो भी बच गया है। तो अब इसको मैं ढक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट हो गए, देखिए आटा मेरा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोई काट लेंगे, और जिस लोई का बनाएंगे बस वही बाहर रहेगी, बाकी सबको ढक के रखेंगे वरना ये सूख जाएंगी। तो ये देखिए हमारी जो लोई है वो तैयार हो गई, इसके मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं, इसे जल्दी हो जाएगा। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए आप किस तरीके से मैं बना रही हूँ, उसी तरीके से बेल के आप पापड़ी तैयार करिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बेल लेना है अपने जो लोई को, और किनारे पे हमें लोई को पतला रखना है और बीच में थोड़ा थोड़ा थिक रहने देंगे तो पापड़ी अच्छी बनेगी। और इस हिसाब से हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे, और आप ध्यान से देखिए इस तरीके से पापड़ी बनाएंगे तो आपकी पापड़ी काफ़ी अच्छी बनेगी।
इस तरीके से हमें हाफ ट्रायंगल बनाना है, पूरा ट्रायंगल नहीं करना है, और इसको इस तरीके से चिपका देना है अच्छे से, जिससे कि पापड़ी आपकी तेल में खुले नहीं। इस तरीके से हम सारी पापड़ी बना के एक साथ रख लेंगे। उसके बाद हम पापड़ी को तेल में फ्राई करेंगे, क्योंकि जब पकती हैं तो दो तीन एक साथ डालनी होती हैं, और फिर जब साथ में तैयार नहीं होंगी तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप एक साथ बना के रख सकते हैं, फिर एक साथ फ्राई भी कर लीजिए इनको। तो हमारी पापड़ी देखिए हो चुकी है। अब हम दो दो तीन दिन पापड़ी डाल के इसको ऑयल में पकाएंगे। तो इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है। अब अपनी कढ़ाई के हिसाब से ऑयल लीजिए, जितने में आपकी पापड़ी डूब जाए, ज़्यादा ऑयल ख़राब मत करिए। और पापड़ी को हमें एकदम मीडियम आँच में पकाना है, वरना बाहर से वो जल जाएंगी और अंदर से वो पक नहीं पाएंगी। पापड़ी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी पहले फूलेगी और वो खुद से फिर थोड़ा सा थिक होने लगेगी। आप जितनी क्वांटिटी में मैंने बताया वो चीज़ें डालेंगे तो आपकी पापड़ी बहुत कुरकुरी बनेंगी और काफ़ी सॉफ्ट भी होंगी साथ में। पापड़ी को आपको मीडियम आंच पे पकाना है, और उनको समय समय पे पलटते रहिए वरना ये जल जाएंगी। ये देखिए हमारी पापड़ी का जो कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है। जब थोड़ा सा और डार्क कलर हो जाएगा, थोड़ा सा निकाल लेंगे। इनको जलाना नहीं है, बस इनको अच्छे से प्रॉपर पकाना है, और निकाल लेंगे और एक साथ सर्व करेंगे। हमारे साइड जो है वो धनिया के आलू और पापड़ी काफ़ी फेमस है, और हमारे घर पे सबको पसंद भी है। तो इसलिए मैं रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, और हमेशा ऐसा टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है ये सब चीज़ें बनाने के लिए टाइम। तो अगर आपके पास कोई और नई रेसिपी है इससे रिलेटेड, या फिर आप इसी को किसी और तरीके से बनाते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी रेसिपी भी। देखिए हमारा एक बैच हो गया है, सारी हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी पापड़ी लग रही है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी व्लॉग में, जो मैंने आपके साथ शेयर करी, धनिया के आलू पापड़ी विद मैंगो शेक। ये मेरा इवनिंग स्नैक कम डिनर ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो जाएगा, इसके बाद हम लोग डिनर नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए हमारी जो पापड़ी वो तैयार हो गई है, अब इसको हम धनिया के आलू के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो धनिया के आलू को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में पापड़ी के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, और आज का आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।